सरकार के निर्देश के अनुसार स्वास्थ्य से जुड़े लोगों ने वैक्सीन ली और अब उनके बाद फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। फ्रंटलाइन वर्कर आगे बढ़कर वैक्सीन ले रहे हैं, साथ ही लोगों को वैक्सीन लेने की अपील भी की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम के सभी वार्डों के सफाई कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगाया गया। इसके पहले सफाई कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया गया और टीका लगने के बाद उन्हें आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव ने कहा, हेलो जलंका देवी कौन है? ये लो, ये कार्ड हो, ये कार्ड हमारा नाम है अखिलेश श्रीवास्तव, मुख्य सफाई एवं खाद्य निरीक्षक। ऐसा है, जो कर्मचारी छूट गए थे वैक्सीन लगाने में, उनके लिए आज विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। सारे कर्मचारियों का लग रहा है, लगभग 400 कर्मचारी का वैक्सीनेशन लग चुका। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन भी चल रहा है। किस वार्ड के हैं ये सफाई कर्मचारी? ये पूरे 70 वार्ड के हैं, छूटे हुए कर्मचारी हैं सब, जिनको वैक्सीन नहीं लग पाया था, तो वो सारे कर्मचारी हैं, सबको बुलाया गया। ये पहली डोज होगी? हाँ, ये पहला डोज है।